नमस्कार दोस्तों, वादे के मुताबिक श्रोताओं, मैं रश्मि हाजिर हूँ आपके लिए एक और नई बातें लेकर। हमारे हिस्ट्री एंड मिस्ट्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। छत्रपति शिवाजी महाराज की सफलता में उनके स्वामी भक्त सिपह सालारों का भी काफी बड़ा योगदान है। तानाजी मालसुरे, प्रताप राव गुर्जर और बाजी प्रभु देशपांडे शिवाजी महाराज के ऐसे जांबाज सैनिक थे जो किसी भी स्थिति से निपटने में सक्षम थे और जरूरत पड़ने पर महाराज के लिए जान की बाजी भी लगाने के लिए तैयार रहते थे। इनमें से एक बाजी प्रभु ने एक बार अपने प्राण देकर शिवाजी महाराज की निश्चित मौत को टाल दिया था। आइए जानते हैं कैसे। स्वराज स्थापना के लिए शिवाजी महाराज बीजापुर की आदिलशाही साम्राज्य को खोखला करने में जुटे हुए थे। उन्होंने कई किले आदिलशाह से छीन लिए थे, जिसकी वजह से आदिलशाह काफी परेशान था। कोल्हापुर की लड़ाई में महाराज के हाथों पराजित होने के बाद आदिलशाह ने जागीरदार सिद्धि जौहर को एक विशाल सेना के साथ पन्हाला की ओर रवाना किया, जहाँ महाराज रुके हुए थे। पन्हाला पहुँच कर जौहर ने पूरे किले को घेर लिया और आसपास के किलों पर धावा बोलने लगा। काफी अरसे बाद भी जब सिद्धि जौहर महाराज को नहीं पकड़ सका तो आदिल शाह ने गोलकुंडा की कुतुबशाही और औरंगजेब को इस्लाम का वास्ता देकर सहायता मांगी और बदले में भरपूर धन देने का वादा किया। धर्म के नाम पर इन दोनों की सेनाएं ही पन्हाला पहुंच गईं और सिद्धि जौहर के साथ मिलकर किले की घेराबंदी शुरू कर दी। इस मिली जुली सेना का सीधे तौर पर मुकाबला संभव न होते देख महाराज ने एक युक्ति सोची। उन्होंने सिद्धि जौहर के पास संधि का प्रस्ताव भेजा, जिसे सिद्धि जौहर ने अपनी विजय और किले की घेराबंदी ढीली कर दी। इसी का फायदा उठाकर शिवाजी गुप्त मार्ग से किले से निकल गए और विशालगढ़ की तरफ बढ़ गए। दरअसल सिद्धि जौहर को चकमा देने के लिए शिवाजी महाराज ने अपने हम शक्ल को पालकी में बैठा कर विशालगढ़ रवाना कर दिया था और खुद चुने हुए सरदारों के साथ गुप्त रास्तों से निकल चुके थे। सिद्धि जौहर को जब महाराज के भागने की खबर मिली तो उन्होंने अपने सैनिकों को विशालगढ़ कूच करने का हुक्म दिया। रास्ते में उन्होंने पालकी में बैठे नकली शिवाजी को पकड़कर सिद्धि जौहर के सामने पेश किया। हकीकत खुलते ही बौखलाए सिद्धि जौहर ने एक विशाल सेना विशालगढ़ की तरफ रवाना कर दी। रास्ते में एक संकरी जगह थी जहां से पालकी के साथ आगे नहीं बढ़ा जा सकता था। बाजी प्रभु ने महाराज से अनुरोध किया कि वो पालकी छोड़ घोड़े से निकल जाएं और वो इसी जगह सिद्धि जौहर का सामना करेंगे। सिद्धि के सैनिक निकट पहुंच चुके थे। महाराज अगर घोड़े से भी आगे बढ़ते तो बहुत दूर तक नहीं जा सकते थे, इसलिए बाजी प्रभु ने महाराज को आगे निकाल कर वहीं सैनिकों को रोके रखने का फैसला किया ताकि महाराज सुरक्षित किले में पहुंच जाएं। जल्द ही सिद्धि के सैनिक वहां पहुंच गए और बाजी प्रभु ने उन पर हमला बोल दिया। सिद्धि के विशाल सैनिकों का बाजी प्रभु की छोटी सी कमान कब तक मुकाबला करती। जल्द ही बाजी लहूलुहान होकर गिर, लेकिन तब तक महाराज विशालगढ़ के सुरक्षित किले तक पहुंच चुके थे। जैसे ही बाजी ने किले से तोप की आवाज सुनी, उन्हें लगा महाराज अब सुरक्षित और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इस तरह बाजी प्रभु देशपांडे ने अपने प्राणों का बलिदान कर शिवाजी महाराज के स्वराज सिद्धि में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी हिस्ट्री एंड मिस्ट्री की एक और नई पेशकश, आप हमें जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको प्रतिदिन नए नए अपडेट्स मिलते रहें। कल तक के लिए मुझे इजाजत दें। धन्यवाद।